हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं 23 फीट × 30 फीट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 700 स्क्वायर फीट का प्लान है, नॉर्थ फेसिंग का प्लान है। सो इस प्लान में 3 बेडरूम है। सो इधर 1 बेडरूम और इधर 2 बेडरूम है। सो इधर 1 कॉमन टॉयलेट, इधर ड्राइंग हॉल, इधर स्टेयर और इधर किचन। सो इस बिल्डिंग का फ्रंट साइड 23 फीट का है और इधर 30 फीट का है। सो इस बिल्डिंग में ग्राउंड लेवल से प्लिंथ हाइट 3 फीट का है। अब ग्राउंड लेवल से प्लिंथ हाइट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सो इस बिल्डिंग में स्टेयर के नीचे से एंट्री होगा। सो इधर मेन एंट्री गेट 4 फीट का प्रोवाइड किया गया है। एंट्री होने के बाद आप ड्राइंग हॉल में आएंगे, जो कि इस बिल्डिंग का ड्राइंग हॉल का मेजरमेंट इधर 12 फीट 8 इंच का है और इधर 9 फीट 5 इंच का है। सो इस ड्राइंग हॉल में आप इसी तरह सोफा भी रख सकते हैं एंड ड्राइंग हॉल का वेंटिलेशन के लिए इधर 1 विंडो भी प्रोवाइड किया गया है। सो इधर 1 किचन है, जो कि इस किचन का मेजरमेंट इधर 5 फीट 3 इंच का है और इधर 8 फीट 10 इंच का है। सो इस किचन का वेंटिलेशन के लिए फ्रंट साइड में 1 विंडो भी प्रोवाइड किया गया है। सो इधर स्टेयर एरिया है, जो कि आप इसी तरह स्टेयर भी कर सकते हैं। सो स्टेयर एरिया का मेजरमेंट इधर 11 फीट 5 इंच का है और इधर 7 फीट का है। सो स्टेयर का विड्थ 3 फीट 5 इंच का है, ट्रेड 10 इंच का है एंड राइजर 6 इंच का है। सो इधर 1 बेडरूम है, जो कि आप इस बेडरूम को स्टडी बेडरूम हिसाब से यूज कर सकते हैं और नहीं तो गेस्ट रूम हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। सो इस बेडरूम का मेजरमेंट इधर 9 फीट का है और इधर 9 फीट 6 इंच का है। सो इस बेडरूम में भी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए दोनों तरफ 2 विंडो भी प्रोवाइड किए गए हैं। सो इस बेडरूम के साथ में फ्रंट साइड में 1 बरामदा भी है, जो कि इस बरामदा का मेजरमेंट इधर 9 फीट है और इधर 3 फीट 5 इंच का है। सो इधर 1 कॉमन टॉयलेट है, जो कि लैट्रिन एंड बाथ एक साथ ही है। सो इस टॉयलेट का मेजरमेंट इधर 6 फीट 10 इंच का है और इधर 5 फीट का है। सो इधर और 1 बेडरूम है, जो कि इस बेडरूम का मेजरमेंट इधर 10 फीट 8 इंच का है और इधर 10 फीट का है। सो इस बेडरूम में भी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए दोनों तरफ 2 विंडो भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस रूम के पास में इधर और 1 बेडरूम है, जो कि इस बेडरूम का मेजरमेंट भी इधर 11 फीट 7 इंच का है और इधर 10 फीट का है। सो इस बेडरूम में भी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए दोनों तरफ 2 विंडो भी प्रोवाइड किया गया है। सो दोस्तों, आज का प्लान आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। प्लान पसंद आए तो वीडियो को जरूर 1 लाइक कर दीजिए। सो आप इस प्लान में थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह इस प्लान को भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो इस प्लान को करने के लिए आपको अप्रॉक्स 10 लाख कॉस्ट पड़ेगा। सो चलिए आप देख लेते हैं इस बिल्डिंग का कॉलम लेआउट। सो आप देख सकते हैं कॉलम का पोजीशन। सो आप इसी तरह कॉलम लेआउट कर सकते हैं। कॉलम का साइज 10 इंच × 10 इंच का है। इस बिल्डिंग में टोटल नंबर ऑफ कॉलम 14 है। सो इस बिल्डिंग में ऑल वॉल 5 इंच का है।
सो दोस्तों, आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। सो मैं इसी तरह हाउस प्लान लेके आऊंगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।